नवी मुंबई महापालिका अंतर्गत बेलापुर गांव में के मुख्य आंतरिक रास्तों को TWT यानी थिन व्हाइट टॉपिंग के जरिए बनाने की मांग नवी मुंबई महापालिका की पूर्व नगर सेविका पूनम मिथुन पाटिल द्वारा महापालिका आयोग से की गई थी। इस मांग को मिली मंजूरी के चलते आंतरिक रास्तों की मरम्मत के काम का उद्घाटन सोमवार 6 फरवरी को किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठित मान्यवरों सहित बेलापुर गांव के नागरिक उपस्थित थे। आज बेलापुर प्रभाग जो नंबर 106 में बेलापुर शाबास फनसपाड़ा सेक्टर 19-20 आता है और उसमें जो वाइट थिन टॉपिंग है तो उसका यहाँ पर आज ओपनिंग हुआ है। और ये जो है NMMC के माध्यम से पहले एक टेस्ट के लिए TWD का रोड बनाया गया था जो अभी काफ़ी वक्त हो गया, तो जो मेन रोड्स है जो इंटरनल मेन रोड्स है उसका काम पेंडिंग था, तो वही फॉलोअप मैंने NMMC से करके वो आज काम का यहाँ पर ओपनिंग हुआ है। और ये काम करीबन 5 CR का है तो इसका निश्चित फायदा इस प्रभाग के लोगों को होगा, क्योंकि आप देखते हो कि जब साधारण जो पहले रोड बनते थे तो उसमें मेंटेनेंस काफ़ी होता था, बारिश के वजह से खड्डे होते थे, तो बाइकर्स है, छोटे बच्चे हैं, उनको काफ़ी सीनियर सिटीजन लोग हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आते थे। तो अभी जो ये थिन वाइट टॉपिंग का जो रास्ता बनेगा तो निश्चित उसका फ़ायदा होगा कि इसमें कम मेंटेनेंस होगा और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा, वार्ड का लुक भी इससे अच्छा लगेगा और चेंज होगा, क्योंकि हम देखते हैं कि महानगर पालिका का ज़्यादा ध्यान सेक्टर्स में होता है, गांव में कम होता है, लेकिन हम एज अ कॉरपोरेटर, एज यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो हमारे मैं रिप्रेजेंटेटिव करके मुझे यहाँ पर चुन के दिया था, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे जो गाँव की जो पॉपुलेशन है उनको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, तो उन सभी के माध्यम से मैंने ये प्रस्ताव की मांग की थी कमिश्नर सर के पास, और निश्चित ये मांग मेरी पूरी हुई है कि जो बचे हुए रोड्स है तो यहाँ पर अभी उसका काम होगा और निश्चित आनंद है। और मैं इसका सब सारा श्रेय नवी मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर, सिटी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डेप्यूटी इंजीनियर और जितने JEE यहाँ पर काम कर चुके हैं, मैं तत्कालीन कमिश्नर को भी इसका श्रेय देना चाहूँगी क्योंकि उनका भी इसमें सपोर्ट रहा है, तो सभी का तहे दिल से मैं इस वार्ड के सारे सिटीजन की तरफ से उनका अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसे ही आगे जाके जो सेक्टर्स में काम होते हैं निश्चित मेरे वार्ड में आगे जाके भी ये सारे काम मैं लाने वाली हूँ, तो इसका आनंद है। और आगे भी अभी मेरे वार्ड में टर्फ, फुटबॉल का टर्फ का काम शुरू होने वाला है, उसी साथ में जो स्पोर्ट्स एकेडमी सेंटर है उसका भी हम ओपनिंग करें, उसमें स्विमिंग पूल आएगा, फुटबॉल, वॉलीबॉल, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो शहरों में जो नवी मुंबई शहर के सारे सेक्टर्स में दिए जाते हैं वो गांव में ध्यान थोड़ा कम रहा जाता है, लेकिन हम जो ऐसे हमारे जैसे जो कॉरपोरेटर्स हैं तो उनके माध्यम से हम ये कमिश्नर के सामने रखते हैं कि जो सिटीज नवी मुंबई शहर के सेक्टर्स में जो सुविधाएं दिए जाते हैं वो गांव में उनका थोड़ा ध्यान कम रहता है, तो ये सारा जो ध्यान है हम हमारे माध्यम से हम कमिश्नर के सर के सामने रखते हैं। और आने वाले जो समय में काफ़ी चेंजेस यहाँ पर रहेंगे और एक्स्ट्रा जो भी अच्छे अच्छे काम आपको दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अथर्व के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, जनता न्यूज़, नवी मुंबई।